लक्ष्मी माता जी, मेरा नाम गीतिका है और मैंने अभी गृहलक्ष्मी मूवी देखी, जिसका एक्सपीरियंस मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। पहली बात तो इस मूवी को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ, परम चैतन्य की प्राप्ति हुई। दूसरी बात, इस मूवी को देखने के बाद पता चलता है कि कैसे नए सीकर्स को या नए साधकों को कैसे उनको सहजयोग ध्यान के बारे में बताना चाहिए, कैसे उन्हें मेडिटेशन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और संजय अंकल और उनकी टीम ने जो इस फिल्म के माध्यम से श्री माता जी का सहजयोग ध्यान श्री माता जी के बारे में बताने का प्रयास किया है, बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तीसरी बात, उसके बाद ये बात कि जिसमें जो इसमें एक्टिंग की है एक्टर्स ने, वो बहुत ही बेहतरीन की है। लगता ही नहीं कि उन्होंने एक्टिंग की है, उन्होंने एकदम रियलिटी डाल दी है उसमें। और इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो भी बहुत ही नॉर्मल सी है, जो हम आम जिंदगी जीते रहते हैं, ना ज़्यादा पुरानी है ना ज़्यादा नई है। सब हर तरह के लोगों को, हर एज ग्रुप को पसंद आने वाली मूवी बनाई गई है। इस मूवी में जो भजन है, जो संजय अंकल ने भजन गाए हैं, उनमें से एक बहुत ही परम चैतन्य बहता है। अगर उन भजनों को आप मेडिटेशन करते टाइम जब सुनेंगे तो अपने आप ही ऐसा फील होता है जैसे कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ रही है। इस मूवी को जब आप देखेंगे तभी आपके अंदर एकदम डिवाइन वाइब्रेशंस आएंगे, अपने हाथों पे फील होगा। और श्री माता जी ने तो वैसे भी कहा है, अगर आप किसी चीज़ को पहचानना चाहते हैं, किसी इंसान को पहचानना चाहते हैं, तो आप वाइब्रेशन से ही पहचान सकते हैं और वाइब्रेशन से ही पहचानिए। तो जब इस मूवी को मैं देख रही थी, बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा था, बहुत ही परम चैतन्य की प्राप्ति हो रही थी। तभी समझ में आ जाता है कि श्री माता जी के एकदम परम आशीर्वाद से बनाई गई ये मूवी है। और मैं ये चाहूँगी कि इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। इसमें जो एफर्ट्स डाले गए हैं, जो इसमें श्री माता जी के टीचिंग्स बताने के लिए जो एफर्ट्स डाले गए हैं और श्री माता जी का सहयोग फैलाने के लिए जो एफर्ट्स डाले गए हैं, बहुत ही सुंदर एफर्ट्स हैं। एक बार सबको देखनी चाहिए मूवी, बस मैं ये कहना चाहूँगी। जय श्री माता जी।